हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं मार्केट। सो क्या लेने जा रहे हैं हम, आप देखते हैं। ये है मेरी सहेली, हम दोनों दोस्त कल पकाएंगे कुछ। तो कैसा, मम्मी के ना पैर बहुत दुखते हैं कि आवाज़ आने के लिए। और कैसा, मम्मी ऑटो से जाते हैं मार्केट बाज़ार लेने के लिए, बट वो होता है ना कि गलियाँ होती है मार्केट में, तो मीन्स मम्मी को प्रॉब्लम हो जाती है। रिक्शा तो गली में घुसा नहीं सकते, तो उनको पैदल जाना पड़ता है इतना, फिर और भी काम कर रहे हैं, उनके पैर बहुत दुखते हैं। तो सोच रहे हैं उनके आराम के लिए कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या लेते हैं। मम्मी आराम से बैठ के, जैसे मैं भी थोड़ा आराम कर सकती हूँ। लेट्स गो। सो मम्मी कब से चला रहे, कोई तो दुकान फाइनली बताओ, क्या चाहिए, कौन सी दुकान से चाहिए, जल्दी दिखाओ कौन सी दुकान पे जाने का है। दिखाती हूँ, कोई तो अच्छी दुकान दिख दे तो फिर मैं बताती हूँ किसका चाहिए, क्या चाहिए। ओके, बिग पीपल्स दिखते क्या चाहिए। राजीव भाई उधर पे लगा देना मिरर के पास, फास्ट टैग बराबर से स्कैन होना चाहिए गाड़ी। तो कैसा लगा तुम्हें? मेरे लिए रोया भी नहीं तुमने जब फर्स्ट टाइम लिए थे बाइक, तो मैं तुम्हारे लिए कितना रोई थी, मोटे मोटे आंसू ही गिराई थी खुशी के। नहीं रोया कभी। क्या? मैं तो ऐसे भी कभी नहीं। अरे अंदर रो लो थोड़ा। बाय द वे बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मैं कल रात को ही बोल दिया था शायद, है ना। अब इन लो दोनों फ्रेंड भाई बहन। शॉक्ड हो गया भाई बहन। तो भाई बहन हुए ना, यामाहा की लेती तो भाई बहन हो। ये बुगी, वो यामाहा वाली लेती, ये मेरी। तो मम्मा कैसे लगा, आपको कुछ बैठने चाहिए था ना, लो बैठ जाओ। इस बहुत अच्छा था, आराम से मेहरबुशु मार्केट जाएंगे, ये और सामान लाएंगे, इनको भी ले लेंगे, हम ट्रिपला जाएंगे, ये। हाँ, ले देखो क्या दिला रहे हो। तुमको है ना चाबी, खुल जाओ भाई, चलेगा अपने पास। ये एक आ गई चार चाबी, ये। हाँ तो गाइस, मुझे आप लोगों को ये बताना था कि कल मेरा बर्थडे है, तो ये है मेरा सेल्फ बर्थडे गिफ्ट, मेरा और मम्मी के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट, और ये मेरा सेल्फ बर्थडे गिफ्ट, दोनों चीज़। एक्चुअली बहुत टाइम से चल रहा था क्या लेना है, तो मम्मी बोल रहे थे, एक्चुअली मैंने सजेस्ट किया, मम्मी तो नहीं बोल रहे थे कि मम्मी को बहुत डर लगता है, और अभी तो हम बाइक लेके जा रहे हैं घर पे, बट मुझे इतना प्रॉपर चलाने नहीं आता, मतलब आती है चलाने बट ट्रैफिक में नहीं आती है। अब मेरी बाइक आ गई है तो अब मैं खुद से सीख सकती हूँ चलाना, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। ये माशाल्लाह, सब लोग दुआ कर लो, अल्लाह ऐसे ही और बरकत दे मुझे, आमीन। ये हमारे घर की फर्स्ट बाइक, आई लव माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ टू। आपको मुझ पर प्राउड फील होता है? बहुत। ऐसी बेटी अल्लाह सबको दे, आमीन। और ऐसे उसका क्या आंटी? हाँ, यही बोल रहे थे मैं आपको खुश भी रखती हूँ। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। चलो उड़ो मत, चलाना है, उड़ना नहीं है। माता, हम उड़ उड़ के चलाएंगे।
तो गाइस अब रोड पे हर एक बच के रहना। हाँ सलमान भाई एक दो तीसरा धक 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 रुको तुम काले हो तुम काले हो काली गाड़ी काले तुम अब देखो कैसी गोली ये देखो लोकेशन बहुत प्यारी लोकेशन है मेरा बहुत फेवरेट फार्म है हम लोग लास्ट टाइम एक शूट करने का था तो हम लोग यहीं पे ही आए थे और आज सेलिब्रेशन के लिए भी सो हेलो शाहिद भाई विश मी हैप्पी बर्थडे जन्मदिन मुबारक थैंक यू नेक्स्ट तो अभी हम थोड़ा में डेकोरेशन वाले आ जाएंगे डेकोरेशन करेंगे उसके बाद करने वाले बहुत सारी पार्टी मस्ती तो मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और एक्चुअली कैसे ना बर्थडे के टाइम पे ना मेरे को बहुत हमेशा बहुत एक्साइटेड रहती हूँ ऐसा लगता है कि मेरा बर्थडे है ना मेरा मिनी शादी है अच्छा मैं इसको सेलिब्रेट एकदम बहुत जोर जोर से करती हूँ तो लास्ट ईयर क्या हो गया था मेरा 18th बर्थडे तो बट वो सेलिब्रेट नहीं हो पाया अच्छे से वो कुछ तो कुछ इश्यूज हो गए थे तो उस वजह से मेरे को सेलिब्रेशन करने ज़्यादा मिला नहीं तो मैं बोली कोई बात नहीं 18 नहीं तो 19 ही सही तो हम 19th बर्थडे मेरा सेलिब्रेट करने वाले यहाँ पे एंड एक और एक इश्यू हो गया है ये टाइम पे लेकिन वो बैकअप मैंने रखी थी तो इस वजह से इतना
मैटर नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या हो गया था, मेरा जो आउटफिट है बर्थडे का, जो मैं 20 दिन से दी थी, मेरी एक डिज़ाइनर है, बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, तो उसको दी थी करने के लिए। मतलब मेरे हर बर्थडे के आउटफिट है ना, वही वो डिज़ाइन करते और वही मेरे को बना के भेजते। तो क्या हो गया, ये बार कुरियर करने को भी बाहर थी, आउट ऑफ कंट्री थी एंड फिर उसके सब डिज़ाइन होने के बाद उसके स्टाफ ने वर्क पूरा कंप्लीट कर दिए थे, बस कुरियर करना था। तो कुरियर में ऐसा हो गया था कि उसने 2 दिन पहले कुरियर करी एंड अभी तक कुरियर आया नहीं है। तो मैम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे कि कुरियर आ जाएगा एक बार मेरा बर्थडे ड्रेस, तो फिर हम लोग निकलते हैं। बट फिर बोले कि नहीं, बर्थडे ड्रेस आ गया ना तो कोई लेके आ जाएगा। तो मैंने एक सेकेंड ऑप्शन ला के रखी हूँ, मेरा एक और एक गाउन है, तो मैं बोली कोई नहीं, अगर मेरा बर्थडे ड्रेस जो नहीं है तो वो नहीं अगर आ पाया तो फिर मैं वो गाउन पहन लूँगी, तो इट्स ओके। बट वो गाउन भी बहुत प्यारा है, और ना आज तो मेरा मूड ऑफ था ही, पक्का मेरा मूड ऑफ था, बट बैड लक अनफॉर्चुनेटली वो पार्सल पहुँच नहीं पाए मेरे तक। कोई बात नहीं, तो अभी हम वेट करते डेकोरेशन वाले का, फिर वही गाउन पहन लेते। और क्या हो गया ना कि मेरा जो ये वाला आउटफिट है ना, उसका वो और डेकोरेशन है ना, मेरा मैच हो रहा है। तो मुझे और मतलब हो गया था, मैं बोली यार मैंने बलून सब बता दी कौन से कलर के डेकोरेशन चाहिए, एंड एंड में ड्रेस नहीं आ रहा है, वो सेम उसके ड्रेस कहाँ से अरेंज करूँ। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो अच्छा ड्रेस है, मेरे को मिल गया ऑन टाइम। सो मेरा उतार देख लो, मैं सुबह में सो के उठी एंड फिर हमने थोड़ा 2 घंटा वेट करे, नहीं आया तो मैं ऐसे ही नॉर्मल ट्रैक एंड शर्ट चढ़ा के आ गई। बोली यहाँ पे आके आराम से हम लोग रेडी शेडी हो जाएंगे। और अभी फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले मेरे फ्रेंड को कि डेकोरेशन वाले आ चुके हैं, तो डेकोरेशन के बाद हम करने वाले बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन। सो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। शी इग्नोर करो, ओके वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और बहुत सारा प्यार देना मेरे वीडियो को, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरा सेल्फ बर्थडे गिफ्ट जो मैंने बाइक ली वो कैसी लगी। मेरा भाई भटियारा, ये भटियारे ये एक लंगड़ा भाई, एक दूसरा लंगड़ा भाई, अब पूरा लंगड़ा पूरे बदन पे पड़ती है। दा मम्मी दा मम्मी ए बुशु, अभी सबसे महंगा गिफ्ट कौन सा है?
सो व्हाट्स अप। तो इस व्लॉग के अंदर फिलहाल मेरी एंट्री अभी हुई है तो मैं थोड़ा सा बिजी था और अभी मैं फ्रेश हो गया पूल में से नहाने के बाद। अभी हम लोग जा रहे हैं बम इन, हाँ तो इसका व्लॉग है, सॉरी मैं भूल गया था, मैं भटक गया था, मैं भी नहा के आई। सो हाँ तो मैं भटक गया था, मैं समझ रहा था मेरा व्लॉग है बट ये मेरा व्लॉग नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना मेरे लिए, लव यू, बाकी हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, गेट लॉस्ट, ओप्स, ओ सॉरी। तो विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और एक्चुअली क्या हो गया ना, अभी हम लोग जा रहे हैं बम फोड़ने, जो जो बात है अपन वो करते हैं, अपन जाएंगे अभी बम फोड़ेंगे। क्यों बताओ, पहले इस वजह से क्योंकि ना मैं हम लोग सोचे थे कि मैं केक कटिंग होगा ना उसके बाद पे बहुत सारे बम लाई थी मैंने, मतलब बम फोड़ेंगे, बट ऐसा हो गया था बारिश चल रही थी, बिजली हो रही थी और हम लोग फिर ध्यान से, तो जैसा आप लोगों ने सुना क्या है, अभी हम लोग पूल से नहाने के बाद पूरा इंजॉय करने के बाद तो अभी अपन जाएंगे अभी बम फोड़ने, बम फोड़ने तो हम जाएंगे अभी बम फोड़ने, ठीक है। और ये है हमारी चक्री, फुल चढ़ी भी है उसमें, भाई फुल चढ़ी भी है। विशु थोड़ा फेस दूर रखना, पीछे देखो पीछे, प्लास्टिक बंगार होने बंगार फ्लैश चालू नहीं हुआ। वन उधर में पानी में देख, टू थ्री फोर फाइव सिक्स पानी में देखो, सेवन एट नाइन टेन, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये क्या कर रहे सल्लू भाई, कुछ बताएंगे इसका धमाका देखना। सल्लू भाई ये ना जितने भी बम जो फुसके हो गए थे उसका मसाला निकाल रहे और अभी तड़का देंगे और देखो कैसा धमाका होने वाला है कुछ ही देर में, बहुत बिल्ला धमाका होएगा। बोला ना बहुत बिल्ला, तो बोल रहे थे ले लिया हूँ मैंने ऊपर।